क्या आपने चराई देऊ मैदान का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो अब आप ये नाम बार बार सुनेंगे। चराई देऊ लई आहोक, निजेउ आहोक, आनोकु जनाओ। असम के चराई देऊ मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। ভৱিষ্যতৰ ভ্ৰমণসূচীত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদামৰ নামৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে অতি গৰ্বৰে মন কী বাত যোগে দেশবাসীক উৎসাহিত কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। চৰাইদেউ মৈদাম কে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বনে কা মতলব হোগা ইয়াহাঁ পৰ অৰ অধিক পৰ্যটক আয়েংগে। আপ ভি ভৱিষ্য কে আপনে ট্ৰাভেল প্লান্স মে इस साइट को जरूर शामिल करिएगा। एश बार संख्यक मन की बात प्रधानमंत्री मोदी देशवासर आगत विवरण दिए चराइदेउ मैदाम विशेषत और आहोम राजतवकालर इतिहास। ये भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। चराइदेउ का मतलब है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल्स, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के शव और इनकी कीमती चीजों को पारंपरिक रूप से मैदान में रखते थे। मैदान टीले नुमा एक ढांचा होता है जो ऊपर मिट्टी से ढका होता है और नीचे एक या उससे ज्यादा कमरे होते हैं। ये मैदान अहोम साम्राज्य के दिवंगत राजाओं और गणमान्य लोगों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का ये तरीका बहुत यूनिक है। इस जगह पर सामुदायिक पूजा भी होती थी। মন কী বাতত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সোঁৱৰিলে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ দিনটোৰ কথাও। ইচি বৰ্ষ 9 মাৰ্চ কো মুজে অদম্য সাহস আৰু শৌৰ্যকে প্ৰতীক মহান অহোম যোদ্ধা লাচিত বৰফুকন কি সবচে উচি প্ৰতিমা কে অনাৱৰণ কা সৌভাগ্য মিলা থা। इस कार्यक्रम के दौरान अहोम समुदाय आध्यात्मिक परंपरा का पालन करते हुए मुझे अलग ही अनुभव हुआ था। लसित मैदान में अहोम समुदाय के पूर्वजों को सम्मान देने का सौभाग्य मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। উল্লেখ যে চলিত মাহৰ 26 জুলাইত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ সমিতিয়ে চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল। অহোম ৰাজবংশ কে লোক আপনে পূৰ্বজৰ কে শৱ